Zameen Property Tours. This is your host Maria Kurzulan and welcome to you on behalf of Zameen.com. इस वक्त मैं मौजूद हूँ नूशा रोड साहिवाल पे और आज हम जिस प्रोजेक्ट का टूर करने आए हैं वो है अल हसन गार्डन जो DHQ हॉस्पिटल से सिर्फ 3.5 किलोमीटर अवे है। आइए चलते हैं और अपने आज के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे आज के प्रोजेक्ट अल हसन गार्डन से DHQ हॉस्पिटल सिर्फ 4 मिनट के ड्राइव पर लोकेटेड है। सदर बाजार आप 6 मिनट में पहुंच सकते हैं। जोगी चौक यहां से 8 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जबकि गर्ल्स कॉलेज रोड 12 मिनट की ड्राइव पर लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट और इसके गिर्दोनवा की मजीद मालूमात आप Zameen.com की वेबसाइट पर जाकर प्लॉट फाइंडर से आसानी हासिल कर सकते हैं। हम आगे अपनी आज की लोकेशन पर। मेरे पीछे आप अल हसन गार्डन की मेन एंट्रेंस देख सकते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो वो 44.50 एकड़ पर मौजूद है और अगर इसके मेन बुलेवर्ड की बात करूं तो वो 60 फीट वाइड है और साइड बाई साइड रोड 30 और 40 फीट वाइड है। मजीद अंदर चलते हैं और इसके मजीद फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अल हसन गार्डन की ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत पार्क के साथ डिजाइन किया गया है। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, तो इसको दो ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, फेज वन और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। आइए चलते हैं और इसके डिफरेंट ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं। अल हसन गार्डन के दोनों ब्लॉक फेज वन और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की प्राइसेस डिफरेंस हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। यहाँ भी घर तामीर हो चुके हैं। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 6,25,000 पर मरला है, 20% डाउन पेमेंट के साथ। बाकी के अमाउंट आप 42 मंथ इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर कमर्शियल एरिया की बात की जाए तो अल हसन गार्डन आपको 1.55 मरला की शॉप ऑफर कर रहा है और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 11 लाख पर मरला है और इंस्टॉलमेंट पर आप यहाँ बाय कर सकते हैं। अगर मैं फेज वन की कमर्शियल शॉप की प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 12,50,000 रुपये पर मरला है। आप यहां पर शॉप खरीद कर फौरी पोजीशन हासिल करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अल हसन गार्डन के फेज वन की बात करूं तो यहां पर ग्रैंड मॉस डिजाइन की गई है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में डिजाइन की गई है। टोटल कवर्ड एरिया 2 कनाल है और यहाँ पर निवासियों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर की गई है। अगर मैं रिहायशी एतबार से बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे घर तामीर हो चुके हैं और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। ये सोसाइटी आपको 3, 4, 5, 6 और 10 मरला के खूबसूरत रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर कर रही है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 6,75,000 रुपये पर मरला है, 25% डाउन पेमेंट के साथ। बाकी के अमाउंट आप 42 इंस्टॉलमेंट्स पर इजीली पे कर सकते हैं। साहिवाल में ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा है और यहाँ पर तमाम तरह फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर एक बेहतरीन लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। इसकी तामीर और तरक्की का काम तेजी से जारी है। अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस में ऑफर किए जा रहे हैं जो इन फ्यूचर आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न देंगे। तो जल्दी आएँ और इस मौका से फ़ायदा उठाएँ। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जो साहिवाल में कम्युनिटी सेंटर भी दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसके पार्क की खूबसूरती की बात करूँ तो उसको खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया गया है और डिफरेंट प्लांट्स भी लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 6,25,000 रुपये पर मरला है, 20% डाउन पेमेंट के साथ। बाकी के अमाउंट आप 42 मंथ की ईजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और यहाँ पर अपना खूबसूरत घर तामीर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद मालूमात जानने के लिए आइए इनके साइट ऑफिस चलते हैं और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हारूनुल हसन साहब के बेटे से बात करते हैं।
मैं शेरदीन हसन अल हसन गार्डन से। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोजेक्ट 44 एकड़ पे टोटल है, तो इसमें हमने 3 मल्ले से लेके 10 मल्ले तक कटिंग रखी है। तो इसमें जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो 2 जामिया मस्जिद हैं, कम्युनिटी सेंटर है, हॉस्पिटल है और स्कूल वगैरह भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। और 1 जामिया मस्जिद हम फेज़ 1 में कंप्लीट कर चुके हैं और फेज़ 1 की जो हम डेवलपमेंट है वो तकरीबन 90% कम्प्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कारपेटेड रोड कर चुके हैं, सीवरेज का काम कम्प्लीट कर चुके हैं और स्ट्रीट लाइट लगा चुके हैं और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन गेट का काम है वो भी शुरू है। हाँ जी, हमने जो सा मेन हमारा बुलेवार्ड है वो 100 फीट रोड है, उस पर हमने 60 फुट जो सा रोड दिया हुआ है जी। इसमें एक और है जी, इसमें हम खुद ही इस पर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट कर रहे हैं और ख़ुद ही हम इस ज़मीन के मालिक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फेज़ 1 में तकरीबन 99% सेल कम्प्लीट कर चुके हैं और एग्जेक्टिव में भी चंद ही प्लाट बाकी। मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि अल हसन गार्डन का विज़िट करें और मौके पे आके अपना प्लाट बुक करें। अल हसन गार्डन का प्लान 3.5 ईयर का है। अगर मैं इसके अमेनिटीज की बात करूं तो गेटेड कम्युनिटी, बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी कैमरास, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम, कारपेटेड रोड, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, पार्क, मस्जिद, हॉस्पिटल, तमाम तरह फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद होंगी और आप यहाँ पर एक बेहतरीन और अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल के गर्ल्स कॉलेज रोड पे। यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस मौजूद हैं, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स और कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ से हमारा आज का प्रोजेक्ट अल हसन गार्डन सिर्फ 12 मिनट की ड्राइव पर लोकेटेड है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल साहिवाल में और यहाँ से हमारा आज का प्रोजेक्ट अल हसन गार्डन सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव पर लोकेटेड है। अल हसन गार्डन की सेल्स एंड मार्केटिंग के राइट्स अल हसन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास हैं, जो कि एक बाएतमाद इदारा है और अरसा दराज से इस फील्ड में काम कर रहा है। उम्मीद है आपको आज का टूर पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद मालूमात आप zameen.com की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट नेम से बआसानी हासिल कर सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।